एक ही 35 25 आईसी। और सब दूसरा ये जो 35 25 आईसी को जो सप्लाई देता है, ये दो ट्रांजिस्टर का जो पॉइंट से ये ड्राइवर आईसी को सप्लाई देता है। सर ये जो दो ट्रांजिस्टर है इसको कौन सप्लाई देता है? वो 13 नंबर से आता है ना 12 वोल्ट, वो 13 नंबर से जॉइंट है। जैसे 11 नंबर से ट्रांजिस्टर चलाने गया, 14 नंबर से ट्रांजिस्टर को चलाने गया, 13 नंबर के साथ में 12 वोल्ट आता है बाहर से, इधर से जिधर डायोड लगा रहता है बड़ा वाला, 12 वोल्ट जहाँ से तैयार होता है, वो 12 वोल्ट यहाँ पे 13 नंबर से आउट होकर इस सर्किट को भी देता है ट्रांजिस्टर को। बोर्ड पे तो दिखा रहा हूँ। नहीं ये नहीं सर, कॉपी में नहीं, जो सर। अच्छा अरे नहीं, ठीक है देखिए। ये जो सारे हैं मैग्नेट डिस्चार्ज अभी होगा, क्योंकि ये मैग्नेट खराब मोटर से खोल के निकाला गया है, ये सारे डिफेक्टिव है और थोड़ा थोड़ा चार्जिंग है भी, तो उससे ये चलेगा नहीं सही। तो इसके लिए अभी ये जो डिस्चार्जिंग करना है और उसके बाद फिर चार्जिंग करके मैं ये बेचता हूँ। अगर आपको लेना है तो हम ये सारे ये 1000 वाट की, 900 वाट की, 850 वाट की सब मैग्नेट रखते हैं। और अगर आपको कराना है तो आप इसी तरह से निकाल कर मुझे दीजिए, या फिर पूरा कंप्लीट इस तरह से रोटर दीजिए। जैसे ये रोटर है ना, ये रोटर इस तरह से आप निकाल के मुझे दे, इस तरह से निकाल के देंगे। मान लीजिए आपने सपोर्ट निकाल दिए और इस तरह से मेरे पास भेज देंगे, तो आपको ये दोबारा चार्जिंग करके आपको दिया जाएगा। चार्जिंग का जो फीस है मैं आपको बता दूंगा फोन पे, तो वो ऐसे आपको मिल जाएगा, चाहे इस तरह का ये रोटर हो या उस तरह का हो या फिर उस टाइप का हो, किसी भी टाइप का हो। तो ये हमारे पास अभी एक है जो ये करते हैं, और उन्होंने मुझे बोले कि सर अगर आपको माल चाहिए तो मैं दूंगा। तो इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पास होता है, और जितने पीस चाहिए आपको मिलेगा। चाहे न्यू लेना है न्यू लीजिए, या फिर चार्जिंग किया हुआ लीजिए, या चार्जिंग करवाना है चाहते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए 50 मोटर पड़ी है, तो आप इस तरह से चार्जिंग करा सकते हैं। इस तरह से खुला करके रोटर मुझे भेजिए और मैं आपको फिर चार्जिंग करवा के देंगे। ये गारंटी है 100% चलेगी, क्योंकि उसका जो फ्रिक्वेंसी है आपको दिखा देंगे कि देखिए इतने फ्रिक्वेंसी का दिया हूँ। और फिर वो अलग बात है कि आपके पास नहीं चल रहा, मान लीजिए किसी कारण से हमारा ये गलत बन गया, तो क्या है कि ये हमने जो फ्रिक्वेंसी होता है इसका, हमारे पास जो इसका डाटा होता है, वो उस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से आपको वीडियो दिखा देंगे कि देखो इस फ्रिक्वेंसी में मैंने करके दिया हूँ, और बाकी चले या ना चले वो आपका काम है। लेकिन चार्जिंग किया हुआ जो फ्रिक्वेंसी चाइना से आता है उस फ्रिक्वेंसी में देंगे आपको, ये गारंटी में, ठीक है। बस मैं इतना बताना चाह रहा था आपको कि ये इसका मैग्नेट का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सोल्व होता है, और आपको अगर लेना है या कराना है तो आप मेरे से कर सकते हैं, और ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होगा। लेकिन आप कहेंगे ये कहाँ होता है नहीं होता है, इसके बारे में मत चाहिए, मैं आपको ये सोल्यूशन बता रहा हूँ कि ये मैग्नेट का जो दिक्कत आ रही थी ये कंप्लीट ठीक होने के लिए सारा व्यवस्था है। अभी देखिए ये डिस्चार्जिंग है, ये देखिए है ना, ये डिस्चार्जिंग है। अगर ये चार्जिंग होता तो मैं शायद यहाँ पर हाथ भी नहीं लगाता है ना। तो ये डिस्चार्जिंग है, ये देखिए ये सारा है ना, ये डिस्चार्जिंग है। तो इस तरह से इसको चार्जिंग करना बाकी है अभी, और ये आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसे वेस्ट में पड़ा हुआ है बेकार में, तो आप ऐसे अपने चार्जिंग करा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही था कि आपका जो ख़राब मोटर है आप दोबारा उसे कंप्लीट करके ठीक कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से रोटर भेजेंगे, जैसे ये कंप्लीट रोटर है, ये रोटर है, तो आपको इसी तरह से पैकिंग किया हुआ मिलेगा। मतलब ये नहीं कि आपको फिट फाट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सपाट डालेंगे चालू हो जाएगा। लेकिन आप खुला खुला भेजेंगे तो खुला खुला जाएगा, फिर फिटिंग करने में जो टूटेगा वो सब तुम्हारा है, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो फ्रिक्वेंसी सेट किया हुआ लेकर आऊँगा, और नॉन फ्रिक्वेंसी जिसमें सेट किया हुआ नहीं रहेगा
उन दोनों को दिखाऊंगा, उससे आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि हमारी जो मैग्नेट दूंगा ठीक करने के लिए वो ओके होके आएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।